दोस्तों, आज हमने ये बनाया है एक मिनिएचर गार्डन जो कि बेकार पड़ी हुई चीज़ों से बन जाता है आराम से। ये देखिए, ये पुराना टब था मेरा और इस टब के अंदर 3 होल कर लिए हमने और अब इसको कलर कर दिया है। ये 3 होल करने के बाद इसमें हम ये दिया या कोई भी कंकड़ पत्थर इसके अंदर रख देंगे और ये मिट्टी जो है इसको हमने तैयार किया है कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट मिला के। अब ये देखो, ये मैंने बोतल से ही बनाई थी, ऊपर बोतल के ऊपर एक और बोतल चिपका कर और ये घर जैसा बना दिया है। और ये जो पत्थर हैं ये मैं सामने बजरी पड़ी हुई थी उसमें से ले आई थी, तो उससे हम ये रास्ता बना देंगे और ये रास्ता पूरा इससे ही बन जाएगा। देखो, रास्ता बनाने के बाद एक साइड में हम ये वाले प्लांट लगा देंगे, इनमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं लेकिन फ्लावर बहुत अच्छे देते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये इधर से मेरे को ये बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। ये जो इसके फूल बहुत 1-2 दिन बाद बहुत सुंदर खिलेंगे, अभी भी खिल रहे हैं इसमें। और इसको हम वापस से जो ये बजरी वाले पत्थर हैं इनसे, या फिर आप कोई भी पत्थर मार्केट में ही मिलते हैं उनको भी, उनसे भी इनको सजा सकते हो। यहाँ पे ये मैंने ये वेलवेट वाला फ्लावर का इसको मैंने उगा दिया है इधर ये घर के पास में। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये वाला। और ये जो है पाइप का टुकड़ा था उसको मैंने कलर कर दिया और उसमें ये मिट्टी डाल देंगे हम, और उससे ये जेड प्लांट उगा दिया इसमें। और ये विंका फ्लावर्स हैं, ये आराम से कटिंग से लग जाते हैं, आराम से ये लग जाएंगे कटिंग से। इनको एक साइड लगा दिया, आपकी जो मर्जी हो छोटे छोटे फ्लावर्स इसके अंदर लगा सकते हो आप, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखो, छोटा सा गार्डन, एकदम प्यारा सा गार्डन लगने लगा है। धीरे धीरे अब आप इसमें इस तरफ भी लगा सकते हो। अब ये मैंने मार्बल के 3 टुकड़े लिए थे, छोटे छोटे लंबे लंबाई में कटे हुए थे, इन दोनों को मिट्टी में हम डाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ये बेंच टाइप बन जाएगी, ये घर के बाहर बेंच बैठने की। ये देखिए, अब उसके पीछे भी, घर के पीछे भी छोटा सा एक पेड़ लगा दिया है हमने। और ये जो इधर की साइड जो पेड़ लगाए इनको हम ऐसे ये वाले पत्थर से सजा देते हैं और पूरा ये गार्डन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, आप भी इस तरह से आराम से गार्डन लगा सकते हो, छोटा सा आपकी कोई टेबल पर रखने के लिए, और बहुत सुंदर लगता है ये देखो। और कोई ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है, अपने घर में ही पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे आप इसको बना सकते हो।